तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों बता दें आज आपको जो कि आज आपके लिए कौन कौन सी भर्तियाँ आज आ रही है। आपने मेरा थंबनेल देख ही चुके होंगे कि कितने कितने पद पर जो कि आचार संहिता में भी भर्ती आ रही है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल आप पता होगा कि ऐसा चैनल है जिसने आपको आचार संहिता में भर्ती भी दिखाया, जो कि भर्ती की न्यूज भी, जो भर्तियां जो कि सेंटर गवर्नमेंट या संविदा बेस आई है, मेरे चैनल ने आपको लगातार अपडेट दिए है। और ये UKPSC स्टडी पॉइंट आपको अपडेट देता रहेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ग्रुप कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास जो कि अच्छे अच्छे न्यूज़ जो कि वीडियो आती रहेगी, भर्तियों की जानकारी आती रहेगी, जो कि संविदा बेस हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो दोस्तों देख सकते पहली न्यूज आपकी जो कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जून में शुरू होनी है। तो देखिए जून में शुरू होनी है आपकी शिक्षक भर्ती, जो कि 3100 से ज़्यादा पद हैं रिक्त। तो देखिए दोस्तों ये बड़ी भर्ती, शिक्षक चुनाव के बीच शिक्षक की भर्ती का भी होमवर्क। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि देखिए एक ही दिन एक ही जगह में काउंसिल की तैयारी। तो देखिए बेसिक शिक्षक भर्ती में इस बार सभी जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग एक ही दिन में एक ही स्थान पर कराने की तैयारी भी है। इससे एक ही दिन में सभी पदों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं। तो देखिए एक से जिलों में आवेदन नियुक्ति करते हैं जिसके लिए काउंसलिंग हो रही है। कई अभ्यर्थी एक से जिलों की अधिक मेरिट में जाते हैं। अभ्यर्थी तो अपनी पसंद के जिले में ज्वाइन कर लेता है, लेकिन बाकी जिलों में वह पद खाली रहते हैं। इसके लिए दोबारा से भर्ती प्रक्रिया करानी पड़ती है। तो आप इस बार काउंसलिंग होगी और बढ़िया आपकी जो कि ये देख सकते हो आप, लोकसभा चुनाव के शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होमवर्क भी शुरू किया गया है, जिसमें वर्तमान में शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 3100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। चुनाव आचार संहिता से पहले हुए कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली को संशोधित कर चुकी है। तो देखिए नियमावली लागू होते ही नियमावली इसमें लागू होगी, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, आप केवल इसे जारी होना भरी बाकी है। तो देखिए 4 जून को आचार संहिता की बंदिश समाप्त होते ही वह जारी हो जाएगी। इसे देखते हुए बेसिक निदेशालय ने अपनी तैयारी जो कि अंतिम रूप दे चुका है। संशोधित नियमावली जारी होते ही सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी, इसके मानक तय किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपकी जो कि 3100 पदों पर जो कि आपकी शिक्षक भर्ती होनी है। तो देखिए ये आपके लिए न्यूज है, बाकी इसमें जो कि नियमावली जो कि तैयार हो जाएगी 4 जून तक, बाकी 4 जून के बाद इसमें जो कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मैंने आपको पढ़ाया। अब दूसरी न्यूज देखते हैं दोस्तों जो कि कहाँ भर्ती आ रही है। तो देखिए बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखिए 11 राज्य के उद्यानों में बागवानी पर्यवेक्षक के 32 पद रिक्त। तो देख सकते हो आप जो कि 32 पद जो कि आप इसमें इंटर पास मांगते हैं, तो 11-32 पद रिक्त हैं। तो कहाँ ये है, तो अल्मोड़ा में ये रिक्त है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 7 किसानों के इसके जरिए स्वरोजगार के जोड़ने के लिए स्थापित है। तो देखिए चौबटिया आपका दूनागिरी सोनी शीतला के डोल गरुरबाज पटोरे आदि में जो कि अल्मोड़ा में इसके जो कि पद खाली हैं, बाकी माली के भी 99 पद भी रिक्त हैं। बाकी ये थे आपके पर्यार बागवानी पर्यवेक्षक के जो कि 32 पद रिक्त हैं। बाकी बात की जाए तो आपके जो कि माली के आपके 99 पद जो कि आपके रिक्त हैं। तो देखिए आप पढ़ाते हैं आपको खबर। तो इससे पहले जो कि 245 पदों की संख्या जो कि उद्यान विभाग में भी ये भी जो कि खाली हैं, उद्यान विभाग पर्यवेक्षक के 245 पद जो कि खाली हैं, इसमें भी जो कि आचार संहिता के बाद भर्ती होगी। बाकी दिखाते हैं आपको जो कि अल्मोड़ा विभाग में, देखिए विभाग में, तो देखिए विभाग में माली के 190 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 100 स्वीकृत पद हैं वहाँ, जिसमें से आपके 99 पद रिक्त हैं। माली की कमी से उद्यानों में बीज पौध उत्पादन के साथ इनके रखरखाव का कार्य पूरी तरह जो कि प्रभावित हो रहा है। प्रभावित का मतलब दोस्तों कि कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ देखिए आपके लिए 32 पदों पर यहाँ भर्ती आ रही। इन जगहों से आप और जिलों से भी आवेदन करते हैं। बाकी अल्मोड़ा में जो कि 99 पदों पर जो कि आपके माली के पद खाली हैं, तो देख सकते हैं। बाकी आपके 245 पदों पर आपकी
सापेक्ष जो कि तुरंत आपके उद्यान पर्यवेक्षक उद्यान विभाग में भी अब जो कि भर्ती आने वाली। इससे पहले आपका UKPSC ने कराया था, लेकिन अब ये इसमें भी जो कि 245 कुछ पदों पर भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों ये आपके 3100 पद हो गए, ये आपके 32 पद हो गए, 99 पद। तो दोस्तों ये आप इसमें देखिए, ये 130 आपका जनरल के लिए रहेगी, बाकी 47 अनुसूचित जाति OBC ये सारे इसमें से कैटेगरी वाइज आपके लिए भर्ती आएगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं आपका जो कि अब अगली यहाँ जो अगली जो भर्ती क्या क्या आ रही है, इनकी बात तो मैंने कर दी है। बाकी 11 राजकीय उद्यानों में बागवानी के 32 पद ये तो मैंने बता दिया। बाकी आपके 99 पद जो कि अल्मोड़ा में खाली है, बाकी 245 में भी शीघ्र भर्ती आएगी। बाकी बताते हैं आपको नई भर्तियाँ कहाँ कहाँ आ रही है, तो बने रही वीडियो के साथ। तो दोस्तों बाकी आपके जो कि संविदा पर आपकी आधार पर नियुक्ति, तो जो कि संविदा के आधार पर आपके लिए जो कि ये आ रखा है आपका, जो कि दो पदों पर ये भर्ती आ रखी है, अधिशासी अभियंता और सहायक सिविल अभियंता, जो कि 50,000 प्रतिमा इसमें देख सकते हो आप। बाकी इसमें कितना है तो आपका 80,000 प्रतिमा है। बाकी इसमें आपके एक एक पद, अगर आपके दोस्त हैं कोई AEJ वाले तो उन्हें आप बता सकते हो। बाकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी से BA, BTEC, BSc जो कि आपके पास होना चाहिए इसमें। बाकी ये अनुभव भी आपके पास मांगा गया है 10 वर्ष का। बाकी इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो कि अनुभव मांगा है। बाकी आपके लिए ये है कि आपका नियुक्ति आपकी जो कि 28 फरवरी 2025 तक के लिए की जाएगी, यानी आपका 1 साल या 11-12 महीनों के लिए इसमें आपको जॉब दी जाएगी। बाकी इसमें आपका अभ्यर्थी का चयन सूचीबद्ध के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों ये भर्ती थी ये वाली, अब भर्ती की बात करें दूसरी। तो दोस्तों बाकी आपके लिए ये भर्ती भी आ रखी है, आप देख सकते हो, तत्कालिक साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू भारतीय वानिकी अनुसंधान जो कि आपका देहरादून से। तो देखिए EDNGM जो कि पोर्टफाइल के आपका तात्कालिक अनुबंध के आधार पर पदों के लिए तात्कालिक जो कि आपके 24 अप्रैल 2024 से आपका 11 बजे आपका पूर्वाधान जो कि आपका ये भर्ती ये होगी। इसके लिए देखिए पदों की संख्या, एक जूनियर प्रोजेक्ट काउंसिलेट 1 वर्ष जो कि अवधि आपके 1 वर्ष के लिए नौकरी दी जाएगी, प्रोजेक्ट एसिस्टेंट के लिए 1 वर्ष, बाकी प्रोजेक्ट एसिस्टेंट के लिए आपकी 1-1 वर्ष। तो देख सकते हो आप, बाकी इसमें देख सकते हो आप इसमें से कितने क्या आपके लिए क्या मांगा गया है। तो इसमें से आपका परियोजनाओं का नाम ये है, बाकी इसमें आपकी ये प्रोजेक्ट के लिए बाकी आपके 50,000 इसमें सैलरी रहेगी। बाकी इसमें आवश्यक योग्यता की बात की जाए श्रेणी में इतना तक तो आपकी परिस्थिति का आपका 5 वर्ष जो कि आपका पर्यावरण से इन्वायरमेंट से आपका इसमें अनुभव मांगा गया है। तो देखिए दोस्तों बाकी इनके लिए सेम जो कि अप्रथम श्रेणी में इसके लिए मास्टर डिग्री के साथ परास्ती के लिए। बाकी इसकी नौकरी की बात की जाए तो 54,000 इसमें वेतन माह जो कि 1 वर्ष का है, लेकिन प्रतिमाह आपको 50,000 रुपये इसमें दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी नौकरी है दोस्तों। बाकी इस PDF को मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम से। बाकी उम्र की बात की जाए तो आपका ऊपरी उम्र सीमा आपकी 35 वर्ष आपके लिए रखी गई है। तो देखिए तो दोस्तों ये जानकारी। बाकी एक और भर्ती दोस्तों जिसकी जो कि अब तिथि आपकी शुरू हो रही है, तो कहाँ कब से शुरू होगी तो देखिए। तो बाकी आपका दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे जो कि आपकी 15 अप्रैल से आपकी ओपनिंग जो कि एप्लीकेशन जो कि भरा जाएगा, और लास्ट डेट आपकी 14 मई था। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, तो इसके आपके 4746 से मान के जो कि 4760 जो कि पद हैं। तो दोस्तों आजकल जो कि चुनावी प्रक्रिया में चुनावी ड्यूटी होने के कारण जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा हमको भी जो कि आयोग जो कि ड्यूटी दे रखी है कुछ, उस कारण जो कि आजकल वीडियो नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बड़ी भर्ती भी है। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक लीजिए देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।